महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने महाराष्ट्र में भगवे को झुकने नहीं दिया। साथ ही साथ महायुक्ति के सभी उम्मीदवारों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और महायुक्ति के सभी उम्मीदवारों को जो विधायक बने हैं उनसे निवेदन है कि हिंदुत्व को हमें छोड़ना नहीं है और हिंदुत्व के कार्य को और बढ़ाना है। और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने हिंदुत्व का साथ दिया, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा, हिंदुत्व की बात की है, उन वो लोगों ने राज किया है। और महाराष्ट्र के सभी मावले भी कहते थे जो हिंदुत्व की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा, और आज प्रूव हुआ है। बहुत बहुत मेरी महाराष्ट्र के सभी उम्मीदवारों को, जीते हुए विधायकों को मेरी शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे आला कमान, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा जो 365 दिन हिंदुत्व की बात करे, जो हिंदुत्व के प्रति कार्य करे, ऐसा ही व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरी राय है, मेरा निवेदन है। और चुनाव के समय पर ही सिर्फ हिंदुत्व की बात करें, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते नहीं बनाते, ये तो हमारे आला कमान के अधिकारियों को सोचने की आवश्यकता, और वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है 365 दिन जो हिंदुत्व के लिए कार्य करें, ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री बने, यह मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। और ये मेरी ही नहीं, महाराष्ट्र के हर वो वोटर की, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों की डिमांड है। भारत माता की जय। जय सियाराम, जय शिवराय।